निफ्टी के चार्ट में देखेंगे, निफ्टी ने यहाँ पे ओपनिंग दिया है, एक ग्रीन कैंडल अच्छा खासा बनाया है सपोर्ट के पास, यह सपोर्ट लेके यहाँ पे, और उसके बाद निकली है निफ्टी अपसाइड और यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है। रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद निफ्टी इस तरह से अगर फिर से हमें यहाँ पे जो है रिट्रेसमेंट दिखाती है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं एक बुलिश कैंडल बनते ही। रिट्रेसमेंट का वेट ज़रूर करना है दोस्तों, यहाँ पे निफ्टी ने ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया है, आप देख पा रहे हैं। तो जैसे ही रिट्रेसमेंट हमें मिलेगा यहाँ पे, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे दोबारा और फिर से अपसाइड के लिए निफ्टी निकल सकती है। अपसाइड के लिए हमारा टारगेट होगा 18,472 का, ये हमारे लिए जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है निफ्टी में। तो ये निफ्टी की एनालिसिस थी। बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, लाइव मार्केट में दिखा रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको एनालिसिस करना आप जो है सीख सके लाइव मार्केट में। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी ने ओपनिंग दिया है हमें यहाँ पे, और बुलिश कैंडल बनाने के बाद बैंक निफ्टी थोड़ी देर सस्टेन करती रही यहाँ पे, और सस्टेन करने के बाद बैंक निफ्टी ने इस रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है। अब इस रेजिस्टेंस के पास जैसे ही बैंक निफ्टी यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के लिए आएगी, रिट्रेसमेंट पर हमारी यहाँ पर एंट्री बनेगी और फिर बैंक निफ्टी निकलेगी अपसाइड। अगर अपसाइड नहीं निकलती है, यहाँ पर रिट्रेसमेंट नहीं लेती है इस जगह पर, तो बैंक निफ्टी जो है डायरेक्टली अपसाइड निकल जाएगी। तो हमें बीच में कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, हमें वेट करना है रिट्रेसमेंट का। अगर रिट्रेसमेंट करने आती है इस सपोर्ट के आसपास, अगर रिट्रेसमेंट करने आती है यहाँ पे कहीं पे, तो ही हम एंट्री ले सकते हैं, हम बीच में एंट्री नहीं ले सकते। अगर डायरेक्टली निकल जाती है बैंक निफ्टी यहाँ से, तो यहाँ पर जैसे ही कोई बेयरिश कैंडल दिखाई देगी तो हम पुट साइड एंट्री लेंगे, तब तक हम वेट करेंगे। यहाँ से बैंक निफ्टी जो है रिवर्सल दिखा सकती है, सेकेंड हाफ में हो सकता है रिवर्सल। तो अगर अपसाइड निकल जाती है तो निकल जाने दीजिए, कोई भी हमें जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेना है। अगर आप ऑप्शन में जल्दबाजी करते हो तो आपका लॉस हो सकता है। यही मैं लाइव एनालिसिस में सिखाती रहती हूँ आपको, लाइव वीडियो आप देखा करिए, आप खुद से एनालिसिस करना सीख जाएंगे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी आप निकाल सकते हो लाइव एनालिसिस वीडियो देख के। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, खुद से एनालिसिस करना सीख सकते हो। इसके बाद की जो वीडियो आने वाली है, वीकली एनालिसिस की वीडियो आने वाली है मेरी, तो उसे भी ज़रूर देखिए। अगले वीक में जो है एक्सपायरी तक मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है वो मैं उस वीडियो में बताने वाली हूँ। यहाँ पे एक मैं आपको बता देती हूँ जो मैंने बताया था पिछली एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर आप देख पा रहे एम पैटर्न अच्छा खासा बना था, उसके बाद मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होकर डाउन साइड गई, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट फिर से अपस्ट्रेंड में निकली है। तो ये जो एम पैटर्न है हमारे लिए फेल हो चुका है। उसके बाद एम पैटर्न का जो है हाई जो था वो भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। ये हमारे पास जो प्लस पॉइंट है कि हम ये जान सकते हैं कि यहाँ से जो है मार्केट अपट्रेंड में निकल सकती है, ये हमारे पास प्लस पॉइंट है, क्योंकि जो एम पैटर्न का हाई था वो भी ब्रेक हो चुका है। ये निफ्टी के चार्ट में है। बैंक निफ्टी में दिखा देती हूँ बैंक निफ्टी में क्या हमें नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी के चार्ट को थोड़ा सा छोटा करके दिखा देते हैं। यहाँ पर भले ही मार्केट अपट्रेंड में निकल जाए, लेकिन हम यहाँ पर बीच में ट्रेड नहीं लेंगे। डिसिप्लिन को फॉलो करना ही पड़ेगा आपको, डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते तो आपका बड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ से मार्केट कहीं से भी रिवर्सल ले सकती है, इसलिए हमें बीच में से ट्रेड कभी नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में भी एम पैटर्न बना था, बैंक निफ्टी एम पैटर्न को ब्रेक करके अपस्ट्रेंड में निकल गई है और इस रेजिस्टेंस को भी बैंक निफ्टी ने ब्रेक कर दिया है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बैंक निफ्टी जो है अपट्रेंड में जाने के लिए रेडी है बिल्कुल। यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे एक बार हमारा जो है ये रेजिस्टेंस था और फिर यहाँ पे सपोर्ट हो गया, सपोर्ट लेने के बाद बैंक निफ्टी फिर से अपट्रेंड में निकली है। तो एक रिट्रेसमेंट का वेट ज़रूर करेंगे हम, जैसे इधर रिट्रेसमेंट लेने आएगी बैंक निफ्टी या फिर इस सपोर्ट के पास रिट्रेसमेंट लेगी, तो हम यहाँ पर अपट्रेंड में फिर से ट्रेड ले सकते हैं। तब तक हम बैंक निफ्टी में अपट्रेंड में ट्रेड नहीं ले सकते। एम पैटर्न बना के जो है बैंक निफ्टी ने क्या किया है, सबको डाउनसाइड बिठाया है और डाउनसाइड में सब लोग स्टॉप लॉस लगा के बैठे हुए हैं, लेकिन मार्केट जो है अपट्रेंड में निकल गई है। तो यहाँ पे जो है स्टॉप लॉस जो है सबका हिट हो चुका है और मार्केट अपट्रेंड में निकल गई है। तो जो है जो पुट साइड बैठे थे वो भी अभी आ गए हैं कॉल साइड, और कॉल साइड आने के बाद मार्केट जो है एकदम फास्टली मूवमेंट कर सकती है। तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जो ऑप्शन बायर या सेलर जो होते हैं उनके स्टॉप लॉस जब भी हिट होते हैं, तो मार्केट जो है फास्टली मूवमेंट दिखाती है, फास्ट मूवमेंट दिखाती है मार्केट में, और अच्छा खासा हमें एक ट्रेंड देखने को मिल जाता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो। आप देख पा रहे हो यहाँ पे
निफ्टी के चार्ट में मैंने बता रही हूँ, ये निफ्टी के चार्ट में ये आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रही है जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद मार्केट किस तरह से अप ट्रेंड में निकली है आप देख पा रहे हैं प्राइजेक्शन बना के। प्राइजेक्शन की वीडियो भी मेरे चैनल पर आने वाली है, उसे भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, एक भी वीडियो मिस ना हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सपोर्ट के पास जो है निफ्टी ने यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाई है। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद मार्केट अपट्रेंड में निकली है। एक रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे लोगों ने एंट्री लिया होगा और फिर से मार्केट अपट्रेंड में निकली है। तो यही ट्रेड पहचानने का तरीका होता है दोस्तों। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की वीडियो मैंने बना रखी है, आई बटन में दे रखी है, आप उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए। जैसे ही सपोर्ट पर कोई बुलिश कैंडल या बेरिश कैंडल दिखाई देती है तो हम यहाँ पे किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, रेजिस्टेंस के पास बेयरिश कैंडल दिखाई देती है तो हम यहाँ पे किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, उसकी वीडियो मैंने आई बटन दे रखी है, आप उसे जाके ज़रूर देखिए, बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख पा रहे हैं ये सपोर्ट बन रहा था, सपोर्ट बनने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे मॉर्निंग स्टार मुझे नज़र आ रहा है। मॉर्निंग स्टार बनने के बाद मार्केट अपट्रेंड में निकली है, एक रिट्रेसमेंट हुआ और फिर से मार्केट अपट्रेंड में। तो ये जो प्राइजेक्शन बन रहा है, प्राइजेक्शन की वीडियो मेरे चैनल पे आने वाली है, उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सबके लिए होने वाली है। प्राइजेक्शन की मदद से भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से निकाल सकते हो। तो यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं कि आपको मार्केट में जो है कैंडलस्टिक पैटर्न को भी फॉलो करना होता है, प्राइजेक्शन को भी फॉलो करना होता है, और जो है चार्ट पैटर्न बन रहे हैं उसको भी फॉलो करना होता है। किसी भी एक चीज़ पे आप डिपेंड नहीं रह सकते, आपको मार्केट में सभी चीज़ों को देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करना होता है। उसके बाद मैंने जो आई बटन में वीडियो दे रखी है, ऑर्डर बुक की वीडियो है, वो ज़रूर जाके देखिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई हुई है। तो उस वीडियो को ज़रूर जाके देखिए, वो वीडियो आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी को है चेंज कर देगी, गेम चेंजर वीडियो है। तो ज़रूर जाके उस वीडियो को देखिए, आई बटन में मैंने दे रखी है। तो चलिए निफ्टी बैंक निफ्टी का तो लाइव मैंने बता दिया आपको, थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। हर वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ, आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ, तो वीडियो को मिस मत किया कीजिए। वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के एनालिसिस करना खुद से सीख सके और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके। मार्केट को सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर मार्केट को नहीं सीखोगे तो आप जो है लॉस ही करोगे, जब तक मार्केट को सीखोगे नहीं तब तक। तो मार्केट को सीखना बहुत ज़रूरी होता है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी मार्केट को सीख सके, एनालिसिस करना सीख सके, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सके और अपने लॉस को रिकवर कर सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।